बीफ खाने के शक में पीट पीट कर युवक को मार डाला। बीफ कांड पर आया सीएम नायाब सैनी का कैसा बयान। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बदरा गांव में पश्चिम बंगाल के एक प्रवासी मजदूर की पीट पीट कर जान ले ली गई। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर भयंकर तरीके से वायरल भी हो रहा है। आरोप है कि पीड़ित के बीफ खाने के शक को लेकर गौरक्षक समूह के लोगों ने उसके साथ मारपीट की। हालांकि पुलिस ने इस मामले में गौरक्षक समूह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इनके अलावा 2 नाबालिग आरोपियों को भी पकड़ा गया है। ये घटना 27 अगस्त को हुई थी, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हुआ तो इस मामले में अब हालात अचानक से बिगड़े और इस मामले ने अचानक से ही तूल पकड़ लिया। और फिर मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और इन लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर डाली। चरखी दादरी की इस घटना को लेकर अब हरियाणा के सीएम नायाब सैनी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने गौ माता की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून बनाया है, इसके लिए कोई समझौता नहीं है। लोगों के मन में गौ माता के लिए आस्था है, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है। जब ऐसी कोई सूचना आती है तो गांव के लोग प्रतिक्रिया करते हैं। सीएम सैनी ने कहा कि मैं इस बात पर जोर देता हूं कि लिंचिंग की ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है और नहीं होनी चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं नायाब सैनी का पूरा बयान, उन्होंने इस मामले पर क्या कुछ कहा। नहीं देखिए, ऐसा आप मऊ लिंचिंग का बात, ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग हैं, वो कौन रुकता है फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। इस मामले में गौरक्षक समूह के अभिषेक, मोहित, रविंदर, कमलजीत और साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 2 नाबालिग भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ली है। यानी कि 7 लोगों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार अभी तक कर लिया है। मगर अब इस मामले पर सियासत शुरू हो चली है और हरियाणा सरकार को विपक्ष घेरने में अब जुटा हुआ है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।